यानी कि कोविड का जांच होता है फ्री में बिना पैसा लिए हुए। कोरोना पॉजिटिव है, सामान सबका शॉपिंग हुआ कंप्लीट। बहुत भारी है। का भाई जोगिंदर बाइक ले लिया, थारा भाई जोगिंदर ने ले लिया है बाइक। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मतलब ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग शिवाजी नगर में टावर से जस्ट लौट रहे थे घर के तरफ, तो शिवाजी नगर में यहाँ पे निःशुल्क कोविड जांच मोबाइल वाहन, यानी कि कोविड का जांच होता है फ्री में बिना पैसा लिए हुए। तो सोचे कि हम भी जाके थोड़ा सा जाँच करवा लेते हैं अपना कि हम क्या हैं, हम खुद एक वायरस हैं या फिर हम कोरोना पॉजिटिव हैं, जाके चेकिंग करवा लेते हैं। चाचा जी मतलब जान पहचान के अंकल जी हैं, वो बोले कि चलो अभिषेक चलो करवा लो, तो हम बोले चलिए चाचा जी चलते हैं। वैसे भी निःशुल्क है, निःशुल्क पैसा लग नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम हिंदुस्तानी का आदत हो, मतलब मेरा पर्सनली आदत है, हम हिंदुस्तानी का आदत होता है फ्री का चीज़ कभी छोड़ते नहीं है, तो हम भी छोड़ने वाले हैं नहीं। तो चलते हैं सेंटर पे और वहीं पे आप लोग से बात करते हैं। अभी कोरोना का जांच करवा लिए और रिपोर्ट नेगेटिव आया, और बाकी बोले शाम तक मैसेज आ जाएगा, तो आप मैसेज देख लीजिएगा। भैया जी जो नाक में डाला, बाप रे बाप, पूरा नाक लहर रहा, क्या ही तो बात है, क्या ही तो बोले हैं। लगभग मतलब पूरा जो वो भी स्टिक था पूरा नाक के अंदर डाल दिए और हालत पूरा ख़राब हो गया। अरे क्या ही बोले हम आपको। चलिए कोई नहीं, कम से कम कन्फर्म तो हो गया हमको कोविड नहीं है। मतलब वो जो स्टिक होता है वो रिपोर्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई लिक्विड में डाला जाता है और देन कुछ चीज़ में चेक किया जाता है, जो भी हो आप समझ लीजिए। मतलब हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट जो अनुभव था मेरा बहुत दुखद था, और बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और दूसरी बात ये कि सब बढ़िया, रिपोर्ट निगेटिव आया है और शाम तक मैसेज आ जाएगा, तो आप लोग को अगर मैसेज आता है तो हम दिखा देंगे आप लोग को मैसेज क्या है क्या नहीं है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वीडियो का टॉपिक क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो का टॉपिक ये है, आज है 24 जुलाई 2021, यानी 24/7/2021। तो आज है मेरे भाई साहब बड़े भैया यानी आशुतोष भैया जी का बर्थडे। हाँ भैया जी, अगर आप तक ये वीडियो जा रहा है पहुंच रहा है तो आपको हैप्पी बर्थडे और मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, इतना ही और कुछ नहीं। तो जस्ट उसके लिए अभी मतलब क्या कहते हैं, जस्ट यही सब सेलिब्रेशन करने के लिए अभी जा रहे हैं केक लाने के लिए, केक और कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, कुछ जो भी सेलिब्रेशन का चीज़ सब होता है वो सब लाने के लिए जाते हैं। दूसरा बात, मेरा हाथ दर्द गया तो हाथ चेंज कर लेते हैं। जस्ट केक लाने जा रहे हैं और कुछ सेलिब्रेशन का सामान सब, जैसे इतना ही कहानी है और कुछ कहानी नहीं है, तो बस यही कहानी था। दूसरी बात ये कि मेरा जो रेडमी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन है उसका हमको बैक कवर लेना है, तो जा रहे राजा भैया के पास, भैया जी हमको बैक कवर दे दीजिए, स्मोक वाला आजकल ट्रेंड में चला तो स्मोक वाला ही लेंगे। बोलते बोलते हाँ जाते परेशान हो जाते हैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ना दूसरे हाथ में सामान, और बोलते रहो कैमरा पे तो थोड़ा सा थकावट हो जाता है, चलते रहो पैदल, कोई नहीं आप लोग इतना कर ही सकते हैं। तो पहले हम लेंगे स्मोक वाला बैक कवर ले लेते हैं, देन आनंद बेकर्स जाएंगे, वहाँ पर कोई केक सिलेक्ट करते हैं लेंगे, देन कोल्ड ड्रिंक लेंगे और सीधा घर निकलेंगे। और आपसे हम कब बात करेंगे, जब कोई अपडेट होता है तब बात करते हैं, और बाकी प्रॉपर बात तो आपसे हम शाम में करेंगे, शाम में जब हम लोग आराम से चिल करते हुए बात करेंगे। ओके, तो फिर बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं कहना था, इतना ही कहानी था। तो जा रहे आनंद बेकर्स और डायरेक्टली वहीं पहुंच के बात करते हैं आप लोगों से। अभी ये स्मोक कवर ले लिए, ये एक्चुअली बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, ट्रेंड इसलिए ले लिए हैं रेडमी नोट 7 के लिए, बिकॉज बहुत दिन से फ़ोन खाली लग रहा था, तो सोचे कोई कवर ववर ले लेते हैं तो सही रहेगा। अब ये पब्लिक स्कूल लालबाग ब्रांच के पास पीछे आई थिंक पब्लिक स्कूल दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और बस आनंद बेकर्स की तरफ जा रहे हैं केक लाने के लिए। और मेन बात आपको बताना ये था कोविड के बारे में कि थर्ड वेव जो कोविड का आने वाला है ऐसा मतलब अनुमानित है, ऐसा लोग सब बोल रहे हैं आने वाला है, तो जस्ट उसी का तैयारी चल रहा है, वेब व्लॉग बना रहे हैं, आइए ना। तो थर्ड वेव जो भी आने वाला है तो जस्ट उसका तैयारी चल रहा है, ठीक ना। तो थर्ड वेव जो भी आने वाला है जस्ट उसका तैयारी चल रहा है, पूरा चेकिंग वेकिंग चल रहा है, ज़ोर शोर से पूरा चेकिंग चल रहा है, और क्या तैयारी थोड़ा सा अच्छे से किया जा रहा है, ज़ोर शोर से पूरा चेकिंग किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कितने लोग कोविड पॉजिटिव है कितने निगेटिव है। अपना आनंद बेकर्स केक लेते हैं देन बात करते हैं। ये वाला
अभी मेरा सामान सबका शॉपिंग हुआ कंप्लीट। बहुत भारी है मतलब सामान सब कुछ ले लिए हैं, तो बर्थडे का सामान सब लेके पूरा एक हाथ मैनेज करना, केक कोको कोला ये वो सही नहीं है, मतलब कहीं टकराव उकड़ा गया केक टूट जाएगा। इतना ही कहेंगे कि आप लोग से शाम में मिलते हैं, विशेष बात करते हैं, फिलहाल तो अभी टाइम नहीं है कुछ बात करने का, बिकॉज सामान सब अनऑर्गेनाइज वे में पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक और सारा गेम ख़त्म चला जाएगा। तो बस वही कहानी है, तो मिलते हैं आप लोगों से शाम में। 2000 years later. अभी शाम हो चुका, आप बोले थे शाम में मिलते हैं, और श्यामा माई मंदिर आए हुए थे। आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था ना बेस्ट हैंग आउट प्लेस इन दरभंगा बिहार, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे अच्छा श्यामा माई मंदिर है। तो श्यामा माई मंदिर आप लोग आते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस मेरा हैंग आउट प्लेस यही है श्यामा माई मंदिर। और दूसरी बात ये कि आपका भाई जोगिंदर बाइक ले लिया, सारा भाई जोगिंदर ने ले लिया है बाइक, तो बस मजाक कर रहे थे, सही मत सोच लीजिएगा कि थारा भाई जोगिंदर बाइक लिया, जोगिंदर ने लिया, हम लिए हैं बाइक, और एक साल 8 महीना से मेरे ही पास है बुलेट, तो मेरा ही है, मेरा ही संपत्ति है, तो बस इतना ही कहना था आपको। जोगिंदर वोगिंदर नहीं लिए हैं, हम ही लिए हैं बाइक। टोपी उल्टा कर लेते हैं, लाइट बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, ऊपर से लाइट रोक देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी श्यामा माई मंदिर आए हुए थे जस्ट चिल करने के लिए, और कुछ नहीं, सब बढ़िया, सब मस्त में, सब मज़े में, और बस कहानी इतना ही है। तो बैठने दीजिए हमको, क्योंकि देह हाथ डिफेक्टिव है मेरा, तो खड़े खड़े बात करने का कोई सीन बन नहीं रहा है, तो ऐसे ही बैठ के बात करेंगे। तो अभी हैं श्यामा माई मंदिर में, जस्ट चिल कर रहे थे, अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, और डेली का रूटीन वही है कि सुबह से शाम तक, बिकॉज आप करोगे तो करोगे ही क्या, स्कूल कॉलेज सब बंद ही है मतलब मेरा, और खुला भी हुआ तो स्टूडेंट सब आते नहीं, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, और इधर का कुछ सीन है नहीं, तो बस जैसे तैसे ज़िंदगी कट रहा है और ब्लॉगिंग चल रहा है। तो कहेंगे यही कि कल संडे नहीं, सॉरी, आप लोग के लिए तो ये वीडियो बहुत डिले आएगा, बट मेरे लिए कल संडे है, कल की मैंने वीडियो आने वाला है, तो उसका जाके तैयारी करना, अपलोड करना है, बस यही कहानी है मेरा, यही एक ब्लॉगर की ज़िंदगी है, ये वीडियो बनाइए, एडिट कीजिए, अपलोड कीजिए, इसमें पूरा दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ गया पूरा दिन। और आज कोविड का टेस्ट हुआ मेरा, कोविड निगेटिव आया, सब बढ़िया, सब कुछ मज़े में, बोला गया था शाम तक मैसेज आएगा, आई थिंक अब दोबारा शाम होगा मेरे ख्याल से, अब इससे ज़्यादा ही शाम होगा, अभी 7:26 हो रहा है, अब इससे ज़्यादा शाम क्या होगा नहीं मालूम, अब तो रात होगी, तो रात में ही शायद मैसेज आए तो सही है, वरना अभी तो कुछ है नहीं। दूसरा बात, वरुण भैया मिले थे अभी, बोले कि अभिषेक कहाँ रहते हो आजकल, उनका बोट राइडिंग शुरू हो चुका है, तो कल बुलाएं, कल जाते हैं, और इनका भी थोड़ा सा कवरअप कर लेते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, सुने हैं ऑक्सीजन सिलेंडर सैनिटाइजर ये सब का प्रॉपर वे में, मतलब ये लोग लाए हुए हैं प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब जिनको ऑक्सीजन का कमी हो तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ये वो दिस डैट, तो कल जाते हैं और पूरा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं वरुण भैया का। वरुण भैया आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है हमको अच्छे से मालूम है, आपके भैया हैं शायद, वो कमेंट भी करते हैं, जॉली अग्रवाल मेरा हर किसी में नज़र रहता है, तो आपके भैया ही ना वो, तो वो कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, तो बस यही कहानी है। तो कल आते हैं और वरुण भैया कैस्टिंग ऑपरेशन करते हैं, और आप लोग के लिए स्पेशल डिस्काउंट लेके आते हैं, वरुण भैया इसे ना बोलते हैं जो भी मिथिला ब्लॉग्स की तरफ से आएगा उसको डिस्काउंट देंगे, तो बस आप लोग आते हैं मिथिला ब्लॉग्स की तरफ से तो डिस्काउंट मांगिएगा वरुण भैया से। अब हम चलते हैं घर की तरफ और वीडियो को ख़त्म करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना है भैया जी का बर्थडे सेलिब्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, हम आए थे एक्चुअली रेडमी का डाटा केबल लेने के लिए, मेरा रेडमी जो मतलब डिवाइसेस है, डिवाइसेस बिकॉज लाइन लगा पड़ा है मेरे पास मतलब एक देखा जाए ना तो मेरे पास फ़ोन का म्यूजियम हो सकता है, बिकॉज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ फ़ोन, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा वेराइटी का फ़ोन सब है, तो उसको आप एक लाइन में रख दोगे तो लगभग 25-30 हो ही जाएगा। तो सबको चार्ज करने के लिए डाटा केबल चाहिए, और डाटा केबल मेरा चूहा कुतर दिया था, तो एक डाटा केबल लिए हैं दरभंगा टावर से, और चल रहे हैं घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं, और कुछ नहीं, और बस ज़िंदगी कट रही है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।